हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो रे? मस्त और बढ़िया। चलो, क्या हालचाल, कैम छो, मजा माना? तो कमला बहन और भागीरथ जी और हमारे सारे स्टूडेंट हेमी बहन, ठीक है, सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वापस मिल रहे हैं। कल किसी कारण से मैं बाहर भी था और तबीयत का थोड़ा सा इशू रहता है गर्मी में, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो आप भी मस्त रहिए लाइफ में और अपने आप को अच्छे से तंदुरुस्त बनाइए छुट्टियों के अंदर, खाइए पिए और मस्त पढ़ाई करिए। देखिए, पढ़ाई के बिना कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो पढ़ाई से ही पॉसिबल होती है, ठीक है। आप किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को भी आराम से अच्छे से कर सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हो। देखिए, पढ़ते तो सब है, लेकिन आप में और दूसरों में क्या फ़र्क होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से है तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप चीज़ों को सही से कर पाएंगे। और एक चीज़, अगर आप डेली के थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 आवर 2 आवर, तो ये टाइम जो है ना, पूरे मंथ में 30 आवर या 60 आवर बनेगा। और सोचिए, यही टाइम 1 ईयर में 360 आवर या 720 आवर्स बन जाता है। और सोचिए, 720 आवर्स का क्या मतलब हो सकता है, आपकी रैंक को कितना बढ़ा सकता है और कितना कम कर सकता है। आई ना बात समझ में? चलो बच्चों, चलो लास्ट क्लास में जितना बताया वो सारा क्लियर है, उसके MCQ भी करवा दिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो था ना, वो अच्छे से करवा दिया और उसके MCQ भी करवा दिए। कि अब हमारे पास में जो टेस्ट चार्ज होता है, उस टेस्ट चार्ज को एक ऐसे फील्ड या भाग में रखा जाए तो वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस करे। किसका एक्सपीरियंस करे? इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस करे, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। और हमने उसकी इंटेंसिटी निकालना सीख लिया था, सारी चीज़ें सीख ली थी। आज नई कहानी की स्टार्ट करते हैं और एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक से शुरू करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या नाम है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब एक इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है जहां पे दो ध्रुव है, दो पोल है। ये दो पोल किसकी फॉर्म में है और कैसे अरेंज किए हुए हैं और क्या इलेक्ट्रिकल का यहां पे रोल है, वो चीज आपको देखनी है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो होता है वो दो चार्ज का सिस्टम होता है। सबसे पहली चीज तो ये, कितने चार्ज चाहिए अपने को? दो। कितने रे बेटा? दो। कोई शक और संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको दो चार्ज चाहिए, सबसे पहली चीज। सर, ये चार्ज कैसे होने चाहिए? क्या बेटा? भागीरथ जी कह रहे हैं कि ये चार्ज कैसे होने चाहिए, तो इसके बारे में बात करते। तो देखिए, ये जो चार्ज होते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। सबसे पहली चीज, इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी इक्वल चार्ज होने चाहिए। अरे कैसे चार्ज होने चाहिए? इक्वल। अब इक्वल के बाद इनका नेचर कैसा होना चाहिए? क्या कह रहे हो? इक्वल के बाद इनका नेचर कैसा होना चाहिए? तो इनका जो नेचर होता है वो अपोजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपोजिट। तो पहली बात समझ में आती है, इक्वल एंड अपोजिट। क्या कह रहे बच्चों? इक्वल एंड अपोजिट। क्या कहा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। एक सेकेंड रुकिएगा।
चलो तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सबसे पहली चीज होती है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पहली चीज होती है हमारे पास, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कि आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम। कैसा होना चाहिए, सेम। उसके बाद में नेचर कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। यानी एक हमारे पास में चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। और एक नेगेटिव है तो दूसरा बोल पॉजिटिव। लाइक एंड अनलाइक, अनलाइक चार्जेस होने चाहिए। तो माना ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू। तो देखिए नेचर भी अलग अलग हो गया और इनके मैग्नीट्यूड भी क्या हो गए, सेम। तो क्या ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। इस तरीके से मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद में नेचर की बात करें तो नेचर कैसा बताया मैंने, अपोजिट होना चाहिए। इस तरीके से एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव और एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस बहुत 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 छोटी होनी चाहिए, दैट मीन्स स्मॉल होनी चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल, यानी ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। यूनिक तुम बहुत दूर ले जाओ ऐसा भी होना नहीं चाहिए, यानी चार्ज बहुत नज़दीक होंगे। क्या कहना चाहता हूँ कि चार्ज जो होंगे वो बहुत नज़दीक होंगे, यानी इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, क्या कहा, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा। आई नवाज समझ में। अब ये डिस्टेंस कितना लेते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है वो डी लेते हैं। क्या लेते हैं, डी। लेकिन इस डिस्टेंस का बहुत यूज आता है, इस डिस्टेंस का बहुत यूज आता है। तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, यहां पे इसके मिड पॉइंट को मान के डिस्टेंस के दो पार्ट कर लेते हैं और टोटल डिस्टेंस जो है वो 2l लेते हैं। कितनी लेते हैं बेटा, 2l। अगर ये वाली डिस्टेंस 2l हो गई तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l। कितनी हो जाएगी बेटा, l। इस तरीके से तो ये वाले डिस्टेंस भी l है और ये वाली कितनी है, l। और इनके बीच की ओवरऑल डिस्टेंस होनी चाहिए 2l। क्या होना चाहिए, 2l होना चाहिए और चार्ज के नेचर अपोजिट होनी चाहिए। तो क्या क्या बातें ध्यान रखोगे रे बच्चा, पार्टी बोलो। सबसे पहले चार्ज की नेचर सेम या अपोजिट बोल, अपोजिट। कैसी अपोजिट, मैग्नीट्यूड कैसा, इक्वल या अनइक्वल, इक्वल यानी कि समान होना चाहिए। उसके बाद में उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, कम, सर बहुत कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो वो सिस्टम जो है हमारा क्या बनता है, डाइपोल। क्या बनता है, डाइपोल। अगर वो सिस्टम डाइपोल बन जाता है तो वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट निकलता है सिस्टम का। क्या बोला बच्चा, वहाँ पे सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट निकलता है। और उस डाइपोल मूवमेंट को पी से बताते हैं, किससे बताते हैं, पी से। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यानी कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी हुई कि नहीं हुई, क्यों हुई, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है कि नहीं, अरे बोलो रे, डायरेक्शन है ना। तो इसके पास डायरेक्शन है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, क्यू मल्टीप्लाई 2l क्यू मल्टीप्लाई डी। इस तरीके से भी लिख सकते हो कि q का मल्टीप्लाई करोगे d से और q का मल्टीप्लाई करोगे 2l से। तो ये हमारा बना विद्युत द्विध्रुव और ये बना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट इसे कहा जाता है। आई गई बात समझ में। चलो देखिए क्या क्या बात बताई, हिंदी वालों सुन लो हिंदी के अंदर। सबसे पहले मैंने बात की विद्युत द्विध्रुव के बारे में, समान और विपरीत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, समान और विपरीत। लिख भी देना कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव क्या होता है, तो उसका आगे लिख देना समान और विपरीत। फिर लिखना जब दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश कुछ दूरी पे हो और वह दूरी बहुत कम हो उस तो उसे द्विध्रुव कहा जाता है। किसी एक आवेश का परिमाण और उनके
मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आगुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव आगुण कहा जाता है। इतनी बात समझ गए, नहीं समझ गए? ये चीज बताई मैंने। इसका मात्रक क्या रहने वाला है? क्या कह रहा हूं, इसका मात्रक क्या रहने वाला है? तो बच्चा ध्यान से सुनिए, जब हम इसका मात्रक निकालेंगे तो ये बनेगा चार्ज, इसका गुणा करोगे लेंथ से, तो ये बना कूलाम इंटू लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो हमारे पास में जो डाइपोल की यूनिट आई है वो आई है कूलाम का मल्टीप्लाई किया मीटर से, कूलाम का मल्टीप्लाई किससे किया? मीटर से किया। इस तरीके से सर इसके डायमेंशन क्या बनने वाली है? तो इसकी डायमेंशन बनने वाली है कूलाम बोले तो 80 L कह दो। क्या कह दो? ATL। सर जैसे ATM होता है ना वैसे ATL हो जाएगा इसका, आई ना बात समझ में? देखो तो ATM का नाम रहती झिंगूर की तरह, देखो बड़ा, इतनी चीज समझ में आ गई। आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, और वैसे इसका PPT फॉर्म भी अभी समझाऊंगा, एक बार देख लो इसको। चलो, या तो कोई समस्या है, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, चमक गया। चलो अब हम बात करेंगे इसी चीजों की वापस, जैसे मैं हमेशा बताता हूं उसी तरीके से। सबसे पहला काम क्या होता है मेरा? आपको पूरा डिटेल में समझाना, उसके बाद में PPT के थ्रू एनिमेशन और डायग्राम होते हैं उसके थ्रू समझाना, और उसके बाद में वापिस से MCQ क्लास लेके क्वेश्चन कराना। अरे यही कंसेप्ट चलता है कि नहीं चलता है, बोलो रे। अरे घनश्याम जी बोलो, चलता है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे गुड़ा और प्यारे गुड़ियाओं, ध्यान से देखना। चलो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, यही बोला था मैंने कि हमारे पास में दो समान प्रकृति के, नहीं दो विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के आवेश, कुछ दूरी का मतलब सीमित दूरी तक स्थित हो। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? सीमित दूरी तक स्थित हो, इसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहा जाता है रे? विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? सर बिल्कुल कहा जाता है। सपोज दैट ये चार्ज है -Q, ये चार्ज है +Q। अरे ये चार्ज कितना है? -Q। ये कितना रे? +Q। अच्छा बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात, इनके बीच की डिस्टेंस है 2L। कितनी है? 2L। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होता है, ये वाला चार्ज -Q और ये वाला चार्ज +Q। क्या कह रहे बच्चे? ये वाला चार्ज कौन सा? बोल जल्दी से, आवाज नहीं आई। -Q। कौन सा? -Q। ये वाला चार्ज बोल कौन सा बेटा? +Q। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए और समझिए मेरी बात को, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कहलाएगी अक्षीय। क्या कहलाएगी? अक्षीय, यानी अक्षीय। क्या कहा जाएगा? अक्षीय। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कहलाएगी अक्षीय, अर्थात अक्षीय पोजिशन। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसके बाद में इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट से, क्या कहा बच्चे? इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वो कहलाएगी इक्विटोरियल। क्या कहलाएगी? इक्विटोरियल। इक्विटोरियल का मतलब होता है निरक्ष। क्या होता है? निरक्ष। सर सीधे सीधे अक्षरों में बात को, तो सीधे सीधे अक्षरों में कहा जाए, अगर दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन है तो वो अक्षीय पोजीशन पे आ जाएगी, और दोनों चार्ज को मिलाने वाली से उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो आपकी लाइन जाएगी या अक्षीय जाएगी उसे कहा जाएगा निरक्षीय या इक्विटोरियल। क्या कहा जाएगा? इक्विटोरियल।
देखो जल्दी से। आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ध्यान से समझिए। वैसे मैं बता चुका हूं, यहां पे भी यही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट ले लीजिए और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए। आगे बात समझ में, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो कितना बनेगा क्यू, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12, तो ये क्या बन जाएगा क्यू मल्टीप्लाई 12, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा पी बराबर क्यू 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा क्यू 12। जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो वो निकालेंगे कूलाम इंटू मीटर, कितनी निकलेगी कूलाम इंटू मीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। डायमेंशन मैंने निकाल के दे दी थी कितनी आई थी, तो कैसी क्वांटिटी स्केलर के वेक्टर है, वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सर, इसे पी से कहते हैं। डायरेक्शन ये रही नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बता चुका हूँ। इसकी डायमेंशन ये रही, एल टी आई लिखते हैं, लेकिन मैं इसको ए लिखता हूँ, तो एल ए टी बताया था या ए टी एल, जैसे ए टी एम होता है वैसे ए टी एल भी होता है। चलो बच्चों ये सारी बात मैंने बता दी, अब आपको कोई शक और संशय वाली बात होनी नहीं चाहिए। देखो अब क्या होगा, अब इसमें निकलेगा टॉर्क। टॉर्क निकालने से पहले एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इस पे बाद में आएंगे हम लोग, ना पी क्रॉस ई होता है पी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे ध्यान से सुनना और समझना। अच्छा वो देखना है, जल्दी देख ले पीपीटी पीछे वाला फटाफट, ये तो मैंने लिखवाया हुआ ही है, चलो देख लो एक बार अच्छे से, नोट कर लो फटाफट नोट कर लो। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि ई निकालेंगे। क्या कहा बच्चे, अब हम लोग अलग अलग केस के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। पहला केस जो आता है वो आता है अक्षीय पोजीशन के लिए, अर्थात एक्सियल के लिए, अक्षीय स्थिति के अंदर। ये बोर्ड वालों के पेपर में आता है, सवाल क्या आता है मैं लिख भी देता हूं मेरे बच्चों, विद्युत विदूर के कारण अक्षय स्थिति पर विद्युत विदूर के कारण अक्षय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा कैसे निकालोगे, कैसे अक्षीय पोजीशन मैंने आपको बता रखी है। देखिए मान लीजिए ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बेटा। उसके बाद में इन दोनों को मिला दीजिए, क्या करिए बेटा कमला बहन मिला दीजिए, ये लो मिला दिया। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद सीधी सीधी बात, यहाँ पे एक मिड पॉइंट लेना ही पड़ता है आपको पता ही है, एक्सियल पोजीशन है तो क्या होगा चार्ज को मिलाने वाली लाइन वाली एक्सिस, यही एक्सिस होगी कि नहीं होगी रे बेटा, यही होगी सर। उसके बाद में आपको एक पॉइंट लेना है यहाँ पे, ये पॉइंट बना पी, इस डिस्टेंस से पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना। क्या कहा,
इस मिड पॉइंट से लेके, सारी कहानी मिड पॉइंट से लेंगी, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो इक्विटोरियल हो, चाहे वो अक्षय हो, चाहे वो निरक्षय हो, काम क्या करना है, इस पॉइंट से पी पॉइंट पर आपको निकालना है, डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आर, और ये डिस्टेंस ले लीजिए आप एल, और ये भी ले लीजिए एल। यहां तक कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, कोई परेशानी तकलीफ दुख समस्या, सर कोई दुख तकलीफ समस्या नहीं है, आगे बढ़ने की ट्राई करते। देखिए प्यारे बच्चों, इस चार से इसकी क्या डिस्टेंस बनेगी और इस चार से इसकी क्या डिस्टेंस बनेगी, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है आर, ये कितना है एल। अगर इस आर में से ये एल कम कर दिया जाए तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो, अरे मिलेगा। तो ये डिस्टेंस कितना बन गया, आर माइनस एल बन गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना बन गया, आर प्लस एल बन गया। अरे कितना बन गया बेटा, आर प्लस एल बन गया। अच्छा अब इसको वन चार्ज माने और इसको टू माने तो सर, तो ध्यान से देखना बेटा मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड उसकी तरफ, मतलब ये ई1 इलेक्ट्रिकल फील्ड, और पॉजिटिव का इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर आएगा ई2, इस तरीके से। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या बनने वाला है, तो जब हम लोग ई नेट निकालने वाले होंगे, जब हमारा ई नेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होते हैं, दोनों सब्ट्रैक होते हैं कि नहीं होते रे, अरे एक दूसरे में से घटते हैं कि नहीं घटते रे, घटते हैं सर। अब ध्यान से देखिए कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, यानी कि किसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा होगा, जिसकी डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस तो इसकी कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा E2 माइनस E1। E2 कितना, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, तो KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, इस तरीके से करोगे आप लोग। E नेट बराबर, सबसे पहले KQ को बाहर ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर LCM आ जाएगा, तो ये बच गया R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच गया R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक देखिए, फिर मैं पेज चेंज करने की ट्राई करते हैं, यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं। चलो तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, अब क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, कुछ लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, दिक्कत तो कुछ नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, फिर वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधा कर लो ना। देखो यहाँ से आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से भी आएगा आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सर लिख के बता दो, लो भाई लिखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते, दिख रहा होगा आप लोगों को, KQ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कट गई लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, E नेट बराबर KQ 2RL और 2RL कितना बन जाएगा, 4RL अपॉन A माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तरीके से बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो 2 को बाहर ले लीजिए, 2KQ2L लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये 4 को आपने ना ब्रेक कर दिया तो 2 बाहर आ गया और ये 2 अंदर चला गया, तो 2L बच गया यहाँ पे अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर आ गया, और Q मल्टीप्लाई 2L क्या बनता है, P, तो ये बन गया 2KP, वेक्टर लगा दो, लगाना चाहो तो नहीं लगाओ तो भी चलेगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो हमारा होता है एल, जो होता है ये वाला एल, आपको पता है ये डिस्टेंस बहुत छोटी लगती है, तो ये और छोटा होता जाएगा, ये जो एल है इस आर से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो क्या कहा कि
आर जो है वो हमारा बहुत 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 बड़ा है, उस केस में अपन क्या करेंगे, एल को नेगलेक्ट करेंगे, तो यहां पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2kp एक आर, ये रहा ना एक आर कहां चला गया, 2kp आर अपॉन आर की पावर 4, ये यहां से कट जाएगा तो आएगा 2kp अपॉन आर क्यू, कितना आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो ये एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक बार देख लो अच्छे से, एक बार वापस ही बता देता हूँ क्या क्या। देखिए दो चार्ज थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी तरफ, पॉजिटिव के कारण इससे दूर गई, नेट निकाला तो E2 - E1 क्यों आया, क्योंकि इस प्लस क्यू के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड E2 है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, क्या है रे बच्चा बोल, बहुत छोटा है, तो E2 - E1 करोगे तो KQ अपॉन इनकी डिस्टेंस कितनी है R - L, इसकी और इसकी डिस्टेंस कितनी R + L, तो KQ/R+L का होल स्क्वायर, KQ को बाहर ले लिया, 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर, तो R+L के होल स्क्वायर में से R - L का होल स्क्वायर घटा दीजिए। जब आप इसको घटाओगे इस तरीके से आपको होल स्क्वायर जब वो आपको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करोगे तो 4R आएगा, और 4R आएगा तो इसको 2 को बाहर ले लीजिए, 2R अंदर बच गया, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। लास्ट में हमने एक एजप्शन लिया, और वो एजप्शन क्या लिया, आर जो है वो बहुत बड़ा है एल से, आपको पता भी है कि डिस्टेंस बहुत छोटी लेते, बहुत छोटी लेती है और छोटा हो जाएगा, और आर जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2kp अपॉन आर। चलो लिख दो जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटोरियल पोजीशन की। इक्विटोरियल पोजीशन का मतलब होता है निरक्षय स्थिति, क्या मतलब होता है निरक्षय स्थिति। अब आपको निरक्षय स्थिति क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, एक बार वापस भी बता देते हैं, देखो बच्चों ध्यान से सुनना और समझो। आपके पास में दो चार्ज होने चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डिस्टेंस छोटी सी होनी चाहिए, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं मिड पॉइंट। कैसा पॉइंट लेते हैं बेटा, मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाते हैं, ये रहा परपेंडिकुलर ले लिया हम लोगों ने, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करेंगे। तो ये मिड पॉइंट भी हो गया, तो ये डिस्टेंस एल हो गया बेटा, ये भी डिस्टेंस कितना बेटा एल, और ये पॉइंट भी, इस पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो ध्यान से देखोगे ये डिस्टेंस एल, और आपको पता है कि मिड पॉइंट से अक्षीय स्थिति पे कितना डिस्टेंस लिया था आर, तो ये भी आर मान लो बेटा, कितना डिस्टेंस मान लो बेटा आर मान लो। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मेरे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा आएगा, तो सबसे पहले इसको मिला दीजिए। हम लोगों को पता है कि नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है उसकी तरफ आता है, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर आएगा, E1 इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा,
अब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इसको मिलाइए सबसे पहले, इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव के कारण कहाँ आ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा इस तरीके से, और ये हमारा E2 बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से एक लाइन खींचूँ तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगर ये वाला एंगल मैं मानूँ थीटा, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा थीटा, और ये भी क्या बन जाएगा थीटा। अब ध्यान से देखना इस E1 का यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, E1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा E1 sin थीटा। E2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा E2 cos थीटा, और एक ऊपर आएगा E2 sin थीटा। ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या डायग्राम नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, आ तो रहा है अच्छे से। चलो तो क्या हुआ कि ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो गए, अरे क्या हो गए कैंसिल आउट। अब देखिए ई नेट जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, और इधर आएगा ई नेट आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, तो ये कितना बन जाएगा ई नेट, तो ई नेट बराबर आ जाएगा ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। आई बात समझ में, हमारे पास में जो नेट आएगा वो आएगा ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास में आएगा। अब अपने को देखना है ध्यान से और समझना है, जैसे देखोगे तो सबसे पहले ई वन निकालने की ट्राई, इवन इसके बीच में तो ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा k q अपॉन x स्क्वायर cos थीटा प्लस k q अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का भी डिस्टेंस कितना है ये x है cos थीटा। तो हमारे पास में जो e नेट आया वो आ गया k q 2 k q अपॉन x स्क्वायर cos थीटा। अब x कैसे निकालोगे, तो देखिए ये डिस्टेंस एल यार, तो ये x नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे अगर आप x निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, l का स्क्वायर और r का स्क्वायर कर देना, तो e नेट बराबर आ जाएगा 2 के क्यू अपॉन x का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। cos थीटा निकाल दीजिए, cos थीटा क्या होता है रे बोलो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, बेस कितना है तो बेस हमारे पास में मानोगे तो हमारे पास में है एक्स, है ना, बहुत बढ़िया एक्स, बेस हमारे पास में जो है वो एल, और हमारे पास में जो हाइपोटेनियस है वो है एक्स, एल बाई एक्स बन जाएगा, और एक्स का मान कितना है तो एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर वन बाई टू, तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में डॉट एल अपॉन एक्स जो बन जाएगा टू के क्यू एल अपॉन, देखिए यहाँ पे इसका मान वन बाई टू आ गया, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर वन बाई टू, और एक पावर कितना है वन, तो वन प्लस वन बाई टू पावर कितना बन जाएगा थ्री बाई टू पावर, देखिए क्यू टू एल, तो के क्यू टू एल अपॉन एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू आर, जैसे ही करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा क्यू टू एल पी बन गया। अब क्या करोगे, आर बहुत बड़ा है किससे रे एल से, तो ये क्या बन गया एल को नेगलेक्ट कर लीजिए आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, तो ये बन गया के पी अपॉन आर क्यू, और जब आप पे यहाँ पे निकालोगे ई परपेंडिकुलर भी कहते हैं कुछ लोग इसे, या ई इक्विटोरियल भी कहा जाता है, तो ये आप इक्विटोरियल निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के पी अपॉन आर क्यू। माइनस क्यों आया, क्योंकि नेट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वो इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, इसीलिए माइनस आ गया। तो कोई बोले तो ये दोनों बोर्ड के केस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उसका साथ टू के पी अपन आर क्यूब और इसका माइनस के पी अपन आर क्यूब, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस तरीके से, एक बार देख लो लिख लो जल्दी से।
अब देखिए, एक पोजीशन होती है आर कॉमा थीटा, एक हमारे पास में जो पोजीशन आएगी वो आएगी आर कॉमा थीटा। देखिए आर कॉमा थीटा क्या पोजीशन रहेगी, ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास में चार्ज है माइनस क्यू, एक हमारे चार्ज है प्लस क्यू, इन दोनों को मिला दीजिए, मिड पॉइंट ले लीजिए। सारी कहानी कहाँ से करते हैं, मिड पॉइंट से, और मिड पॉइंट से आप एक थीटा एंगल पे एक पॉइंट लेंगे आप लोग। ये हमारा मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से यहाँ पे एक थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पे एक आप लोग जो है वो पॉइंट लेंगे। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको निकालना है। ये हमारा आर कॉमा थीटा का केस है। तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले देखिए माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो डाइपोल कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा हमारा प्लस पी। आगे बात समझ में। अब अगर आप इसके दो कंपोनेंट कर दो तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ध्यान से देखो। ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा पी पी कॉस थीटा। तो एक कंपोनेंट ऐसे भी बनेगा जो बनेगा पी साइन थीटा। एंड हमारे पास में दो डाइपोल है, एक ये डाइपोल है इस तरीके से जिसका नाम है पी कॉस थीटा। और आपको पता है ये डाइपोल आ रहा है, और जब ये डाइपोल होता है और उसके अक्ष पे पॉइंट होता है तो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आती है, उसकी दूर जाती हुई आती है। देखो आपको बताया भी था, ध्यान से देखना अगर आपको सही से पता हो तो। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने E2 - E1 किया था, वो वाला केस काम गया, E2 - E1 वाला केस। ये रहा E2 - E1, तो इस फैक्टर में से ये वाला घटाया था तो किसकी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, E2 का, तो नेट जो आता था ना वो इधर आता था, ई नेट एक्सियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे भी एक्सियल पोजीशन हुई क्योंकि डाइपोल कहाँ है, इधर है, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, इसको मिलाने वाले पॉइंट पे आएगा। तो ये हमारा कौन सा एक्सियल पोजीशन पे, ये लीजिए। अब दूसरा डाइपोल कौन सा बन गया, ये बन गया। और जब डाइपोल हमारा ऐसे होता है और उससे पॉइंट से अपन डिस्टेंस पर लेते हैं तब कहाँ आता है, ये ऐसे आता है। ये देखो ध्यान से निरक्ष, ये देखो ये रहा निरक्ष में, यही तो था, इससे अपन पॉइंट पे लेते थे तो नेट कहाँ आता था, इधर आता था कि नहीं आता था। अब ये अगर थोड़ा सा इसको अपन डाइपोल को ऐसे कर दे, क्या कर दे, ऐसे कर दे, तो ये ऐसे आएगा। सेम केस में देखो ये आपका डाइपोल है, ठीक है, तो ये रहा आपका डाइपोल, इससे डिस्टेंस पे अपन को निरक्ष पे निकालना है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ आती, ऐसे आती, तो ये होगी ई परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। अब जो इसका ई नेट आएगा वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आएगा ई नेट। तो आप ई नेट बराबर कर दोगे ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई एक्सेल स्क्वायर। कैसे हुआ पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो डाइपोल थे, एक था पी कोस थीटा और एक था पी साइन थीटा। यानी आप एक्सियल पोजीशन वाला अगर आप लोग निकालोगे तो वहां पे क्या होता है, 2kp/r³। तो p का मान यहाँ पे किससे रिप्लेस करोगे, पी कोस थीटा अपॉन आर क्यूब से। इसी तरीके से परपेंडिकुलर निकालोगे तो p का मान किससे रिप्लेस कर दोगे, kp sin θ / r³ से रिप्लेस कर दोगे। तो यहां से ई नेट जो आएगा ना वो आ जाएगा हमारे पास में ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये रहा ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ई ऑब्टुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2kp cos θ / r³ का स्क्वायर प्लस kp sin θ / r³ का स्क्वायर। देखो कॉमन क्या आ रहा है, वो सबसे कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल दीजिए। जब आप कॉमन लोगे तो kp/r³ आ गया बाहर, अंदर बच गया 4cos²θ + sin²θ। एक कोस स्क्वायर थीटा इसको दे दो रे, तो ई नेट कितना बन जाएगा बेटा, kp/r³√। एक कोस स्क्वायर थीटा कम कर लो तो 3cos²θ, वो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बना देगा 1। ये आर कॉमा थीटा की क्वेश्चन आ गई, इस तरीके से ध्यान। अब यहाँ पे एक्सियल पोजीशन के लिए भी आप कर सकते हो आराम से, क्यों, एक्सियल पोजीशन होगा थीटा जीरो कर लोगे, थीटा जीरो करोगे 1+3 कितना हो गया 4 2kp/r³। और इसी तरीके से इक्विटोरियल पोजीशन होगा तो थीटा को 90 कर देना तो kp/r³ आ जाएगा। अब तो ये वो केस है जहाँ पे सारी कंडीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिकल डाइपोल निकाल के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते।
और ये सवाल एग्जाम में आता है, ट्वेल्थ बोर्ड के पिछले साल ही था बेटा, ठीक है, इक्विटोरियल था या शायद एक्सियल था, तो बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सियल और इक्विटोरियल, बस आप आसानी से निकालना सीख लो कैसे निकालना है। तो देखिए एक्सियल के लिए जो आता है वो आता है 2 KPA/R³, इक्विटोरियल के लिए -KPA/R³, आर कॉमा थीटा पे KPA/R³ एंड रूट 1+3 cos²θ। अब डाइपोल की डायरेक्शन से हम लोग डाइपोल बनाते, ये वाला थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा तो वापिस बता देता हूँ डायरेक्शन का क्या खेल था। बेटा देखो माइनस से प्लस एक डाइपोल जा रहा है, पी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अब ये पी जा रहा है इस तरीके से, इसका एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या बन गया, पी को, अब ये एक डाइपोल हो गया, इस डाइपोल का मान कितना है, पी कोस थीटा, ये भी एक सिस्टम बन चुका है, ये भी डाइपोल का, यहाँ पे भी दो चार्ज है इस तरीके से आपको एज्यूम करना है। और जब एक्सियल लाइन होती है, अब यहाँ पे निकालना था ये लाइन क्या हो गई, एक्सियल, एक्सियल का उसकी तरफ से दूर जाते हुए नेट होता है कि नहीं होता है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, ई एक्सियल आ गया। उसके बाद में आपको कहाँ निकालना है, तो उसके बाद में दूसरा डाइपोल क्या बना, ये बना, ये एंगल थीटा पे कंपोनेंट पी कोस थीटा, ये पी साइन थीटा बना कि नहीं बना, तो अब ये एक देखो चार्ज का सिस्टम है और यहाँ से कुछ दूरी पे आपको निकालना है, यानी भी कौन सी पोजीशन होगी, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल में यहाँ होता है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन निकाल दिया, चेंज कर दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब आपने ई अक्षीय लिखा था तब कितना लिखा था, 2 KPA/R³, और KPA/R³ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये रिलेशन भी ध्यान रखना अच्छे से, आई बात समझ में। तो ये डाइपोल की चीजें बता दी, और तीनों केसेस के अंदर जो हमारा डाइपोल मूवमेंट आता है, चाहे वो एक्सियल हो, चाहे वो इक्विटोरियल हो, चाहे वो दूसरी कंडीशन हो, वो सारा का सारा निकाल दिया। अब हम बात करेंगे टॉर्क की, किसकी बात करेंगे, टॉर्क की, और टॉर्क की बात करके हम लोग यहाँ पे जो है वो कितना टॉर्क आता है वो निकालते हैं। तो डाइपोल के कारण टॉर्क पूछा जाता है कई बार, वो बात करेंगे, लिख दो जल्दी से। चलो आगे देखते हैं और बात करते हैं, ये रहा आपके पास में टॉर्क, सीधा ही समझा देते ना, लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी। अच्छा ये स्लाइड आपको चाहिएगा ना, इस पर लिख दिया क्या ये वाला, ओह मिस्टेक्स करती ना, एक काम करते हैं ना हम लोग, ने नई स्लाइड लेके ना उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, अच्छा मैंने जो था सारा काम ही कर दिया, सब हटा दिया एनिमेशंस, तो आप वीडियो ना पोज करके देख लेना, हट गए सारे एनिमेशन, क्योंकि करना की पे था मैंने उस पर कर दिया। चलो आगे देखिए क्या है, चलो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में दूरों पर आघूर्ण कितना लगता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में दूरों पर आघूर्ण को या बल आघूर्ण को, एक ही बात, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ये डायग्राम थोड़ा सा है ना, मैं मेरे तरीके से समझाऊंगा, आप इस तरीके से मत जाइएगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है आपके पास में, ठीक। अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड बता रखा है ना मैंने आप लोगों को, अच्छे से ध्यान से देखा, इस तरीके से दो चार्ज रखे गए, एक माइनस क्यू रखा गया, एक प्लस क्यू रखा गया। अब इन्होंने क्या किया कि प्लस वाली यहाँ पे लगा दी, जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे हमेशा नेगेटिव लेता हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड और यहाँ पे पॉजिटिव लेता हूँ। अब क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्सेज आते हैं वो आते हैं इसकी तरफ सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो एफ बराबर प्लस क्यू ही बनेगा और ये एफ बराबर माइनस क्यू ही बनेगा, तो दो फोर्सेस लग गए तो नेट फोर्सेस क्या आ जाएगी, जीरो। और जब नेट फोर्सेस जीरो हो तो वहां पे एक टॉर्क लगती है, कौन से केस में लगती है, किसी एक फोर्स का मान ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हमारे पास में जो फोर्सेस है उन फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगने वाली है वो हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होगा, जब आप लोग फोर्स निकालते हो तो क्या करते हो,
प्लॉट को निकालते हो, सबसे पहले एक पॉइंट लेते हो, उस पॉइंट से निकालने की ट्राई करते हो कि नहीं करते हो, और उससे क्या लेते हो बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? एल। कितनी होगी? एल। और ये एंगल मैंने थीटा लिया, ये डिस्टेंस कितनी होगी? एल कोस थीटा। कितनी होगी? एल कोस। इसी तरीके से यहाँ पे भी निकालोगे, इस तरीके से आ जाएगी। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क सीधी सीधी बात है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क हम निकालते हैं तो बल गुणा बल से लंबवत दूरी, फोर्स मल्टीप्लाई टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको अपन मानते हुए निकालेंगे, ये चार्ज के लिए कितना हो जाएगा? फोर्स निकालोगे तो फोर्स कितना है? क्यू ई। डिस्टेंस कितनी? एल साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ही लेना, ध्यान रखना। प्लस उस वाले चार्ज के लिए भी क्यू ई और एल साइन थीटा। तो ये कितना बन गया? टू क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई सॉरी ई क्यू टू एल साइन थीटा। तो ये बन गया पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क का जो मान आएगा वो आएगा पी क्रॉस ई, यहाँ पी साइन थीटा। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब पी और ई के बीच में एंगल कितना हो रहे? साइन थीटा मैक्सिमम हो। तो पी और ई के बीच में एंगल कितना हो जाए? पी परपेंडिकुलर टू ई, थीटा 90 हो जाए। और मिनिमम कब होगा टॉर्क? जब इन दोनों में एंगल कितना हो जाए? 180, यानी दोनों पैरेलल हो जाए। कहीं ना बात समझ, ये केस भी आता है इस तरीके से। अब जब पी और ई परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? ई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पी को ऐसे जाना पड़ेगा, उस केस में आपका टॉर्क मैक्सिमम रहेगा। तो ये कहानी टॉर्क की हमने की कि नेट फोर्स जीरो आता है। अब क्या करता है? इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसको घुमाने का काम करेगा। इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क निकाला, पहले इस चार्ज के लिए निकाला फिर इस चार्ज के लिए निकाला, तो हमारे पास में इस तरीके से आया। आई बात समझ में? चलो लिखो जल्दी से। अब देखना आगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बालिको मैं सारा हटाऊंगा वापस, ठीक है ना? अपने को इस सवाल तरीके से लिखना है, आगे पीपीटी में यहाँ पे क्या आता है आपको वो तरीका मत लेना, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। चलो अब देखो, अपने को इस डायग्राम पे नहीं जाना, अपन डायग्राम उल्टा बना रखा है, ठीक है ना? ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना आ गया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे वापस। डिस्टेंस कितनी ली थी? एल कोस थीटा ली थी कि नहीं ली थी? चलो ये क्या चीज़ थी? एफ बराबर क्यू ई, आपको मैंने बताया वहाँ पे क्यू ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, तो मैंने आपको दोनों के लिए निकाल के बता दी थी। सीधी सीधी ले लोगे टू एल साइन थीटा, मैंने सीधा ले लिया था, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा वही सारी चीज़ें, वही है पी साइन थीटा आ गया, ठीक है? थोड़ा मेरे तरीके से करा है। मैक्सिमम कब होगा? थीटा 90 पे होगा, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है? मिनिमम थीटा 0 और 180 ले लो, उसने 0 लिया, 180 पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बराबर पी क्रॉस ई। चलो पहला सवाल देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल। कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब उसके एंगल का मान हो जाए 90 डिग्री। विच टाइप ऑफ क्वान्टिटी इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट? इसमें से कौन सी क्वान्टिटी जो होती है वो डाइपोल मूवमेंट होती है, वेक्टर्स होती है? चलो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये फ्लक्स जो है वो हम कल स्टार्ट करके, कल पहले फ्लक्स लेंगे, फ्लक्स के बाद में एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर के बाद में गाउसेस, तो पूरी गाउसेस की थ्योरी लेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। अभी डाइपोल के एमसीक्यू भी करवाने हैं, तो एमसीक्यू की क्लास होने के बाद में है ना फ्लक्स और वो सारा जो है, दो क्लास लगेगी बड़ी बड़ी गाउसेस की, ध्यान रखना, क्योंकि एक में पूरी थ्योरी समझाएंगे और एक में सारे डेरिवेशन समझाएंगे बोर्ड वालों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आज जो डाइपोल में पढ़ा है वो आप ना बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, विदा लेते हैं, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज की क्लास मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों? राधे राधे, ध्यान रखिए।